बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो कैसी है मेरी बेटी फैमिली? अल्लाह करे वो ठीक ही रहे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो बेसन की बर्फ़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अगर छानेंगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ होती हैं, वो जब हम ऐड करेंगे तो गुठलियाँ अच्छी नहीं होती, चीनी ऐड नहीं होती उसमें। और जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने चीनी ली है, दो इलायचियाँ ली है, एक कप दूध लिया है, खोपरा लिया है और ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन को रख लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरा घी इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें बेसन भुनेंगे। घी जो है हमारा गर्म हो चुका है तो आप इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। ये 4 से 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे हमने इसको पका लिया, भून लिया इसको अच्छे से। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन हमने भून करके निकाल लिया है, अब दूध ऐड करेंगे। दो इलायची ऐड कर देंगे, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो ऐड कर लें। मैंने पाउडर नहीं किया, इलायची को ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। ये चीनी ऐड कर देंगे। तो अब इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये इसमें मिक्स ना हो जाना। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी और दूध को। ये दूध और चीनी को हम मीडियम फ्लेम, तो दूध और चीनी को ही इसको चलाते रहना है और ये बहुत ही आसानी से बनती है। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा स्टेप देखिएगा, ताकि आपको समझ आएगी। और ये बहुत ही जल्दी बनती है, बच्चों को बहलाने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है। बच्चे जब ज़िद करें तो आप उनको बना कर दें और ट्राई करता रहा करें। ये 120 रुपीज में ये बर्फी हमारी तैयार होगी। बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, तो आप भी प्लीज़ बच्चों के लिए ट्राई करता रहा करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो दूध और चीनी को छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है और ये बहुत ही आसानी से बनती है। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा स्टेप देखिएगा, ताकि आपको समझ आएगी। और ये बहुत ही जल्दी बनती है, बच्चों को बहलाने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है। बच्चे जब ज़िद करें तो आप उनको बना कर दें और ट्राई करता रहा करें। ये 120 रुपीज में ये बर्फी हमारी तैयार होगी। बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, तो आप भी प्लीज़ बच्चों के लिए ट्राई करता रहा करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब हम ऐड करेंगे खोपरा। तो यहाँ पे आप आकर हमने खोपरा ऐड करना है। कुछ बादाम ऐड कर देंगे, कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे। ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको, बस नॉर्मली छोड़ना है चीनी और दूध को। अब बेसन ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बन रही हैं। अब इसको नीचे उतारेंगे, अच्छे से हल करेंगे इसको, फिर दोबारा इसको फ्लेम पे रखेंगे। नीचे उतार के इसको अच्छे से हल कर लेना, इसमें गुठलियाँ ना रहें। अगर गुठलियाँ रह जाएंगी तो ज़्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन वो ना फोकापन आ जाएगा, इसमें चीनी ऐड नहीं होगी, मीठी नहीं बनेगी हमारी जो बर्फ़ी बनेगी। ये बच्चों के लिए मीठी तो ज़रूर होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। ये हमने इस पे ऑयल लगा लिया, इसको अच्छे से ग्रेस करेंगे।
ऑयल लगा कर ग्रेस कर लिया, इसको अब हम इसमें डाल देंगे। अब बादाम लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको, कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, फिर हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तो फिर कट करेंगे, मिलते हैं 15 मिनट बाद। ये देखें गाइस, ये हमने कट कर लिए, अब प्लेट में निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। बस ये देखें, बर्फी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही जमी बनी है, बहुत आसान से तरीके से बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और दुनिया के आखिरत में तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ और ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।